दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हैं यानी कि छुपा सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप होगा और कोई बंदा देख नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको सिखाता हूं मैं ये सब चीज़ें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। दोस्तों सेटिंग में आने के बाद यहीं पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको ऊपर सर्च बार मिल जाएगा, इसी वाले सर्च बार में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है ऐप लॉक। दोस्तों ऐप लॉक सर्च करते ही पहला ही ऑप्शन ये वाला आपके सामने खुल के आ जाएगा, तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक लॉक रखा हुआ है, इसको मैं हटा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन खुल के आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैंने YouTube और WhatsApp पे यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है, यहीं से आप लॉक भी लगा सकते हैं विदाउट ऐप के। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि यहाँ हम किसी भी ऐप को हाइड कैसे करें। तो दोस्तों यहीं ऊपर की तरफ आपको हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी वाले ऑप्शन पर टच कर देता हूँ। तो दोस्तों यहीं पे आपको ऐप के सामने ये वाले मार्क दिख रहे होंगे। दोस्तों जिस भी आपको आप ऐप को आप हाइड करना चाहते हैं ऐसे ऐसे इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको एक ही ऐप हाइड करके दिखा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैं OLX को हाइड करना चाहता हूँ, तो यहीं मैं OLX वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे OLX वाले हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अभी देखते हैं हमारा OLX हमारी स्क्रीन में शो होता है नहीं। चलते हैं यहाँ से बैक, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारा OLX शो नहीं हो रहा है कहीं भी। मैं अभी आपको जो ऐप हाइड किया था वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको। ऐसे मैंने कर दिया इनेबल, डिसेबल कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों मेरा ये OLX दिखने लगा भी, ये वाला है मेरा OLX वापस आ गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी नई नई नोटिफिकेशन वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यार यही मेरी मेहनत का फल भी होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आपके मन में कोई सुझाव है मुझे कॉमेंट कर दीजिए, उसके रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगा।